सुबह का वक्त है, करीब 5:15 बजे, और बाबा केदारनाथ ने रजत मुकुट धारण कर लिया है। पूरी तरीके से मेरु और सुमेरु पर्वत के बीच में स्थित बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ के बारे में जानते हैं महेंद्र शुक्ला से, जो बरसों से और पीढ़ियों से बाबा केदारनाथ के यहाँ ही पूजा और अर्चना का काम कर रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से चलने के पश्चात वो हरिद्वार में आने के बाद, हर की पीढ़ी में स्नान करने के बाद वो गुप्त काशी में पहुँचते हैं, है ना। गुप्त काशी में भगवान शंकर उनको गुप्त रूप में दर्शन देने के पश्चात वो केदारनाथ में पहुँचते हैं पांडव लोग। यहाँ पहुँचने के बाद भीम जो उसमें बलवान था, उसने कहा एक मैं अपनी टांग मेरु और सुमेरु पर्वत जो है उसमें रखता हूँ, उस टांगों की नीचे से आप भैंसों को हाँकती जाइएगा, जो अंत में नहीं जाएगा वही शंकर भगवान का रूप मान दिया जाएगा। और वो तो एक स्वयंभू भैंस के रूप में था, लेकिन भीम जी ने कहा इसको अपने गधे से उस भैंस पे मारने के पश्चात वो जो है सर्वाला पुरुषन पशुपति नाम नेपाल में पहुँचता है और धरवाला पुरुषन स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ उत्पन्न होता है। इसीलिए इस पर घी मलने का मातम है। इसको कहा जाता है पापो हम पाप कर्माणम पापत माम पाप संभव त्राही माम पार्वतीनाथो सर्व पापो सर्व दुखो सर्व कष्टो हरिभव। इसलिए इस पर जो है घी मलने का मातम है। इसके पश्चात पांडव लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और उसके पश्चात वो यहाँ पीछे जो हिमालय पर्वत में है वहीं जा करके उन्होंने पांडव लोगों ने अपनी मोक्ष की प्राप्ति की थी और यहीं पांडव लोग मोक्ष हो गए थे, इसलिए इसको मोक्ष धाम कहा जाता है। बोल बाबा केदारनाथ की जय। तो ये ज्योतिर्लिंग क्यों माना जाता है इसको? ये ज्योतिर्लिंग जो है ना, जैसे सौराष्ट्री सोमनाथम चो सिरसैले मणिकांजलम उज्जनियम महाकालम ओंकार ममेश्वर बारल्याम वैनाथम चो डकन्याम भीमशंकरम श्वेतबंध रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारकावली वाराणस्याम विशेषम त्र्यंबकम गोमतीति हिमालय केदारम विष्णु तटेश वाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातःपुनः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे मनस्यति। ये 11वां ज्योतिर्लिंग के अंदर जाता है सौराष्ट्री सोमनाथम चो। इस प्रकार से इसको ज्योतिर्लिंग के रूप में मान दिया जाता है। पत्रिका.com के लिए उरुक्रम शर्मा की रिपोर्ट केदारनाथ धाम से।